Alright, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुलहिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। सॉरी, एक सुपर चैट दो आए थे। एक तो सर ने कहा कि नेशनलिज्म जरूरी है अगर आप हॉस्टाइल कंट्री से सराउंडेड हैं, चाइना या पाकिस्तान। देखिए, कंट्रीज इतने बड़े होते हैं कि आप उनको क्या नेशनलिज्म, आपका मोराल जो होता है, हमने कई देखा है इंडिया में, इंडिया की जो फौज है उसका मोराल बड़ा नीचे होता है। कोई सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स है पोस्ट ट्रॉमा का। तो नेशनलिज्म, ये जो नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं ना, इनको पकड़ के फौज पे उधर भेज दो, बॉर्डर पे निकल जाएंगी इनकी एक मिनट में। तो ये नेशनलिज्म, अर्नाब गोस्वामी जैसे चीखे मारते हैं, बैठाओ अर्नाब गोस्वामी को ले जाके उधर बॉर्डर के ऊपर, चाइना के ऊपर, तिब्बत में छोड़ा उधर, देखते हैं कितना नेशनलिज्म आता है उसके अंदर। ये सारी चवलियां हैं, ड्रामेबाजियां हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको नेशनलिज्म एक फजूल चीज है, पेट्रियटिज्म और चीज होती है। नेशनलिज्म ये होता है कि हम रिवाइवलिज्म में भी, हम तो बड़े अजीम थे, हम तो बड़े ग्रेट थे। वो किसी ने बताया हम विमान को, उसने एक ऑथर का नाम दिया, शिप्रीता जी ने बताया, वो तो ऑथर हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा करता था, तो उसके रेफरेंसेस, वो हिस्टोरिकल फिक्शन एक वो जानवर है जिसमें वो लोग हिस्ट्री, इस तरह फिक्टिशियस हिस्ट्री बना के पेश करते हैं। वो फिक्शन ही होती है, वो डिक्लेयर्ड फिक्शन होती है, तो वो उसको यूज कर रहा है। और ये जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाला जा रहा है इंडिया में कि भाई हम तो बड़े अजीम थे, और वो शिप्रीता जी ने, मैंने शिप्रीता जी किधर है, आज बैठी नहीं है कि नहीं, उनको उनसे ये जरूर मैंने बनवाना है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जिसको कई बेवकूफ इंडियंस जो हैं, जो भक्त होते हैं, वो समझते हैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में उनको फर्क ही नहीं पता होता। वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी हमने डिस्कवर की, उसकी पहली जो किताब थी, शिप्रीता जी बता रही थी, जो पहली किताब लिखी गई, उसका नाम मुझे भूल गया, वो इंडिया में वेस्टर्नर्स ने लिखी थी, पॉसिबली एंशिएंट ग्रीक्स ने, तो लेकिन लोगों को नहीं बताया जाता। सो ये बड़ी बोंगिया मारी में नेशनलिज्म इसलिए बड़ा डेंजरस होता है। पेट्रियटिज्म और चीज है, अपने मुल्क का दफा करो, तब ये आपको उसके लिए झूठी कहानियां नहीं बनानी पड़ेंगी। सो यू नो दीज आइडेंटिटीज, नन ऑफ दीज थिंग्स मैटर टू मी। सो अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, ही वॉज टॉकिंग अबाउट इमेजिन्ड ऑर्डर। I don't know if he was talking any imagined order. I think he was pretty serious about a serious world order. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे PayPal या Patreon पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।